लो भाई लोगों, आज मैं दिखाने आया हूँ आपको गाड़ी जीप मेरिडियन 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 मेरिडियन। वैसे कहने को हमारी डियन हमारी डियन भी हो सकता है। उसके बाद आप देख सकते हो ये जीप मेरिडियन मेरे सामने खड़ी हुई है, इसकी ये जो इंडिया में अभी लॉन्च होने वाली है वो आप लोग देख सकते हो। कैमरे में नहीं आ रही, इतनी बड़ी गाड़ी है, देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। साइड प्रोफाइल से काफ़ी बड़ी है, रेगुलर कंपस से काफ़ी बड़ी है, विड्थ में भी ज़्यादा है, लेंथ में काफ़ी ज़्यादा है, हाइट में थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसा आपको बता देता हूँ। और फ्रंट लुक में देख सकते हैं आप, इसमें सब कुछ ही चेंज कर दिया गया है जैसे रेगुलर कंपस में आता है। लाइट्स में देख रहे हैं आप, लाइट भी जीप प्रीमियम LED यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। लाइट्स को पूरा चेंज कर दिया गया है। 7 स्लॉट ग्रिल्स जो लगी हुई हैं वो काफ़ी बड़ी कर दी गई हैं। और इसके बाद ये देखिए 7 स्लॉट ग्रिल्स में कितना क्रोम लगा है, फ्रंट में कितना ज़्यादा क्रोम लगा हुआ है, भर भर के क्रोम लगा रखा है, जिस करके गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है जीप कंपस में बंद आता है, यहाँ पर उंगल जा रही है पर ये बंद है, एयर इनटेक जो होगा वो अंदर यहाँ से होएगा इसका। और उसके बाद इसमें देख सकते हैं आप, जो आपको अलॉय दिखाता हूँ इसके, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा शानदार लगे इस गाड़ी में। अलॉय व्हील देख सकते हैं, ये R18 इंचेस के टायर्स हैं और विद जो है ऑल ट्रेन टायर्स हैं, इसमें टायर्स के साथ आती है। उसके बाद देख सकते हैं आप जो साइड प्रोफाइल है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि लगती है गाड़ी। और फ्रंट शीशा ये सेकंड वाला काफ़ी मैसिव है कि आप अंदर जो बीच में बंदा बैठा है वो मस्त बिंदास बाहर का व्यू देख सकता है। और रियर सीट वाला जो 7 6 7 लेयर 6वीं 7वीं सीट है, इसमें मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा। मेरी हाइट 6.2 है, मैं देखता हूँ बैठ पाता हूँ कि नहीं, अभी बैठ कर आपको दिखाता हूँ। पहले ये आप रियर का अलॉय व्हील्स, और जो रियर की लुक आती है भाई लोगों वो काफ़ी ज़्यादा मस्त आती है यार इस गाड़ी की, क्या मस्त लुक है यार भाई। और उसके बाद देख सकते हो रियर में जो रेगुलर कंपस से ये टेल गेट है, जो इसको थोड़ा रियर तो पूरी चेंज कर रखी है, लाइट्स को चेंज कर दिया है भाई। उसके बाद इसमें लिमिटेड मॉडल की बैजिंग है, पीछे देख सकते हो पीछे की जो बैजिंग है वो काफ़ी हैवी दर्शा रही है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, वन क्लिक किया बूट ओपन। ये 6वीं 7वीं सीट है, इसको अपन रिक्लाइन भी कर सकते हैं। हो जा भाई एक, हो जा, हाँ ये 6वीं 7वीं सीट को मैंने परफेक्ट पीछे कर दिया। उसके बाद भी फिर भी आपके पास 3 बैग रखने की जगह यहाँ पर बसती है कि आप 3 बैग रख सकते हैं। बाकी इतना भाई लोगों मैं डीपली नहीं जाऊंगा कि आपको अप्रोच एंगल डिपार्चर एंगल, जो लोगों को समझ भी ना आए वो हिसाब किताब नहीं है, सिंपल सी वीडियो बनाता हूँ मैं। ये बंद हो गया। उसके बाद ये गाड़ी की प्रोफाइल, उसके बाद इसके अगर मैं ऊपर का व्यू देखूं, ड्यूल पैनोरामिक सनरूफ है, पर वो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा ड्यूल पैनोरामिक है कि पीछे तक आता है, यहाँ पर ये जैसा आता है ड्यूल पैन है, आगे भी जो रेगुलर कंपस में आता है वही पैन वाला सेट किया हुआ है इसमें। और उसके बाद ये लुक गाड़ी की, लो यार देखने में गाड़ी बहुत ज़्यादा मैसिव लगती है, बड़ी लुक है। लेंथ आपको मैं लिख दूंगा इसके वीडियो में, मेरे को अभी इतना पता नहीं है, करेक्ट नहीं पता है, पर मैं लिख के बता दूंगा आपको कि कितनी इसकी लेंथ हाइट विड्थ है। और इंटीरियर आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं 6वीं 7वीं सीट पे, अगर इसकी गाड़ी के 6वीं 7वीं सीट पर मैंने जैसे आपको बोला कि मैंने जाना है, तो उसके लिए मेरे को ये वाला जो है, ये देखो भाई अब सीधी एंट्री है, यहाँ से जाना पड़ेगा। अब मैं इसके अंदर भाई लोगों, मैं जैसे 6वीं 7वीं सीट में बैठ चुका हूँ, तो मेरी 6.2 की हाइट है, तो मेरे तो पैर यहाँ पर लग रहे हैं यार, मेरे को तीसरी जो 6वीं 7वीं सीट है उसमें तीसरी रो में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जैसे आशीष भांडा भाई हमारे साथ बैठे हैं, हाय, ये और मिस्टर दुर्गेश जी बैठे हैं हमारे साथ, तो भाई कैसा फील हो रहा है आपको बीच वाली सीट में बैठ के? अपनी हाइट बता दीजिए एक बार, कितनी है भाई? 6 फीट मेरी। अच्छा, शादी हो गई आपकी? जी सर बिल्कुल। अच्छा, हो गई, बच्चे हैं? एक बेटा है सर। अच्छा अच्छा, तुम्हारी हो गई? मेरी नहीं हुई जी अभी। अच्छा, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन मेरी हाइट जो है 5 फुट 8 इंच। 1100 रुपए दे दो, करवा देंगे। अच्छा ठीक है। बड़े भाई, भाई में क्या गाड़ी का क्या लगता है आपको? गाड़ी अच्छी है सर, ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन कुछ
प्लस माइनस तो हर एक कंपनी की कार में होता है। नहीं, इसमें जैसा सेफ्टी है जैसा आपको गाड़ी देखे तो नहीं, भाई इसका बॉडी शेल क्लास है। जीप अपने आप में एक बहुत पावरफुली नेम भी पावरफुली है, उसकी गाड़ियां भी ओबीजिल पावरफुली होंगी। इसका इंटीरियर बहुत क्लास है, आप देख सकते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स तक इन्होंने दे रखी है, तो बहुत अच्छी। पैसा तो लेंगे ना यार, ऑब्वियसली पैसा तो लेना पड़ेगा। और इसमें बहुत अच्छा लेग रूम अच्छा है, थोड़ा सा हल्का सा बेसिकली कंजेस्टेड है, बाकी थर्ड रो में कंजेस्टेड होता है थोड़ा सा। हाँ, लेकिन वो मेरे को लग रहा है फर्स्ट एंड सेकंड रोज में सफिशिएंट है, कोला डोला। अच्छा, और बैठ के आप जैसे बैठ रहे हो सीट पे, सीट पे बैठे एक बार सीधा कैसा ये मजा आ रहा है क्या? हाँ, बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने घर पे सोफे पे बैठा हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है। और तुमको कैसा लग रहा दुर्गेश भाई? सेम फील। थैंक यू। इसका एसी बहुत पावरफुल है, पावरफुल है एफसी, बहुत ही। हाँ, जैसे गर्मियों के दिनों में यहाँ पर बैठे हैं अपन लोग, अभी जस्ट इन्होंने अभी बैठा हूँ मैं, तकरीबन मेरे को 30 सेकंड हुए होंगे गाड़ी स्टार्ट करके। लेकिन एसी नहीं भाई, गाड़ी झूठ मत बोलो, 2 मिनट से स्टार्ट है यार। होटल बाड़ गया, थोड़े पैसे दिए हैं पर सच बोलो ना यार। और जैसे कि भाई लोगों में देख सकते हो, इसका इंटीरियर काफी ज्यादा प्रीमियम है। और 6वीं 7वीं सीट पे मैं बैठा हूँ, ये 3री 4थी सीट पे है। कैप्टन सीट नहीं है पर भाई साहब सुनो रुको यार भाई, मैं एक वेंटिलेटर सीट भी देखूंगा। अच्छा, फीचर नोट डाउन करो। हाँ, बैठो तभी मैं आपको बता पाऊंगा भाई। इसकी जो रियर सीट है दुर्गेश भाई, वो कैसा फील हो रहा है? मतलब कि जो ये है कंफर्टेबल, मतलब पूरी है चौड़ी? जे मैं अब बोलूं कि भाई आपका छोटा भाई है, छोटे भाई को बीच में बैठा दूं तो इसकी जो विंडो थर्ड रो में तो तीन बंदे, सेकंड रो में तीन बंदे आराम से कंफर्टेबली बैठेंगे, बैठ जाएंगे ना, तो मतलब कि कह सकते हैं 7 सीटर है। मतलब पीछे बच्चे बैठ जाएंगे दो। हाँ जी, अब ये मैं दिखा देता हूँ भाई लोगों को। बोलो भाई फांडे भाई, ये देखिए ऊपर थोड़ा सा दिखाएं। अरे बहुत ही क्लास है, ये बहुत ही क्लास चीज है ये, मैंने अभी। अरे वो दूसरे वाला का भी खोल दो ना यार, अभी ये भी हटा दो ना, ये देखिए आप। वाह, क्लास चीज है भाई, बहुत ही शानदार है। यहाँ पर आप इजीली मेरे हिसाब से दुबला पतला मोटा बंदा भी यहाँ पर खड़ा होके बाहर का हिली एरिया में व्यूज अच्छा देख सकते हैं। अच्छा, वो तो बाहर निकल के भी देख लेते भाई। नहीं नहीं भाई, गाड़ी लेनी 45 लाख रुपए लगाएंगे तो बाहर निकल के देखेंगे। ये तो बात है यार। अजीज हांडे भाई, आपसे आपकी तरफ से गाड़ी पास है? अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। इंशाल्लाह कि जीप का ये जो प्रोडक्ट आया अभी वो मार्केट में धमाल मचाने वाला है। अभी आफ्टर लॉन्चिंग आप देखेंगे तो क्लास रहेगा यार भाई। एक मिनट, इसमें से ना जो अगर आपको रियर सीट से बाहर निकलना है तो ये भी है यहाँ पर, हुक का ऑप्शन है। इसको ऐसा करा, ये गया, ये अपने आप ही चल जाता है भाई। करा इसको, उसके बाद मेरे मालिक कैसा है तुम्हारे लिए? मस्त है, मेरे को दौड़ना पड़ेगा थोड़े दिन, वजन घटाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो लेयर्स है बहुत कम दे रखी है। एक एसी वेंट यहाँ पर है, एक एसी वेंट यहाँ पर है, एक एसी वेंट यहाँ पर है, एक एसी वेंट वहाँ पर है, और रियर में यहाँ पर भी दे रखा है, और पीछे भी थर्ड रो में भी दे रखा है। ओके, ये सारे मतलब हर जगह एसी वेंट है। मतलब यार खान साहब, ये ऊपर वाले जो फीचर्स हैं इसमें क्या क्या है, ये किस चीज का है, ये किस चीज का है? ये भाई ना, इसको रुको मैं कैमरा दिखाता हूँ, कैमरा से देख। इसका जो कैमरा 360 है, 360 कैमरा भाई, 360 भाई यार, ये 360 कैमरा है। ये हो गया 45 लाख में आप उससे बेहतर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जीप वाले। बहुत अच्छी बात है, सीरियसली 45 की नहीं है, सस्ती होगी भाई। सस्ती है ये? हाँ सस्ती होगी, मार्केट में तो जो सुन रहा हूँ मैं कि 45 के अप्रोक्स गाड़ी पड़ती है। सस्ती आएगी यार मेरे को। 4x4 में कितने की जाएगी, आपको क्या आइडिया लगता है? ये 40 तक वो जाएगी मेरे ख्याल से, 4x4 में। पर मेरा जो रिकमेंडेशन होगा ना कस्टमरों को, 4x2 डीजल ऑटोमेटिक जीप का ले जाहौल लद्दाख जाना लद्दाख जाओ, लाहौल जाना लाहौल जाओ। इसका सीसी पावर कितना है? ये तो मेरे, ये 2000 सीसी, 173 BHP। अच्छा, ये फीचर्स बता रहे थे आप, इसका मेरे को ये देखिए, इससे ये तो मैंने समझ आ गया, इससे तो कर्टन खुलता है, कर्टन खुल गया। उसके बाद इससे सनरूफ खुल गया, ये खुल जाना भाई, हाँ ये खुल गया सनरूफ, आसमान दिख रहा है। तो ये सनरूफ का है, ये इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है। अब ये देखो जादू, अपने आप खुलेगा, अपने आप बंद होगा यहाँ से। तो मतलब कि गाड़ी
बैठे रहो सब कुछ करेगी। बूट ओपनली अपने आप हो जाए अंदर से। हाँ एंटी पंच बात है यार। अच्छा ये जो स्विचेस हैं ये वाले कौन से वाले के हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता यार, रुक जा। लाइट वाले, लाइट वाले ओके। तो अच्छा खान साहब मैं इधर देख रहा था, नोटिस कर रहा था इसमें 1S2 ये क्या फीचर है? ये भाई जो है ना ये मेमोरी सीट का है। इसमें एक खास बात ये है, जो सीट पे आप बैठे हो ना जी, ये भी 12 हाइट एडजस्टेबल है। 12 मतलब कि ये लंबर थाई स्पोर्ट, हाँ, ये देख रहा था सारा सारा कुछ आप कर सकते हो। और ये वाली जो जिस सीट पे मैं बैठा हूँ ये भी 12 हाइट एडजस्टेबल। अच्छा ये इतना पीछे हो सकता है, दिखाए थोड़ा सा व्यूअर्स को भी कितना पीछे। जैसे कि मैं ऑटोमेटिक जा रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं सिर्फ बटन प्रेस किया मैंने। अच्छा ये डाउन, बैटरी लो हो जाएगा भाई, इतना मत करो। कोई बात नहीं भाई, चार्ज हो जाएगा। अरे भाई यार क्या स्पोर्ट है, जैसे कि हमने झूला झूल रहे हो। नहीं मॉल्स में जाते हैं जो झूले का पैसा भी बच गया। वो क्या चीज होती है जो मॉल्स में अपने शरीर को रिलैक्सेशन के लिए चेयर्स रखी होती है, क्या होता है वो? तो ऐसा कुछ होता ना, बैठाते हैं उसमें की बैठ को। हाँ वो चीज इसमें बैक, वो तो आप साइकिल में भी लगा सकते हो ना भाई। चलो जी कहानी खत्म करते हैं। तो अच्छा ये खान साहब ये चीज क्या है नीचे, कौन सी वाली ऑटो वगैरह? वो लाइट्स वगैरह के कंट्रोल है, क्योंकि इसमें ओल्ड स्कूल टाइप ऐसा लाइट ओपन कर सकते हो, उसको ऊपर नीचे लाइट को करना है वो कर सकते हो। ब्राउनिश है, लेदर है। कुछ ऐसे फीचर बताएं जो और किसी कंपनी में नहीं मिलते भाई। इसके सस्पेंशन है जो FSD आते हैं, वो रोड पे हार्ड हो जाएंगे, ऑफ रोड में सॉफ्ट हो जाएंगे। सेफ्टी 5-स्टार की, NCAP और UCAP दोनों की। और उसके बाद इसमें जो खास, एक तो जीप की ब्रांडिंग, चलो एक ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज, उसके बाद प्रीमियमनेस। अब किससे, अब 40-45 लाख रुपए का क्या मिलता है इंडियन मार्केट में? क्या मिलता है भाई? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। ये डेवल पैनोरामिक सनरूफ भी दे रहे हैं आपको, इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जीप लाइफ एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी भी आएगी। उसके बाद इसमें इंटीरियर भी सारा प्रीमियम है, 360 कैमरा भी है, उसके बाद वेंटिलेटेड सीट्स भी है, डिजिटल क्लस्टर भी है, वायरलेस चार्जिंग भी है, और क्या जान लोगे? थोड़ा सा मैं, और ये वाला ग्लव बॉक्स ये भी है इसमें, ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखो। अच्छा ना, बहुत अच्छा खान साहब, मजा आया गाड़ी चला के? बिल्कुल। आप तो ठोकते ठोकते बचे हो। भाई बड़ा मजा आ रहा है गाड़ी में बैठ के। अरे वाह, अरे वाह यार, बहुत स्मूथनेस है। आपको देखना इस वीडियो के बाद वैन डीजल ढूंढेगा। वैन डीजल बोलेगा, फास्ट एंड फ्यूरियस में गाड़ी हंसी सांडा चलाएगा। बस भाई छुआ मत देना वैन जो 1.5 साल व्यूअर्स को अपनी गाड़ी के फीचर नहीं बता रहे हैं। आप ना ऐसी बस मजाक में व्लॉग बना रहे हो। 1.5 साल में मेरी ना, मेरी 1.5 साल यहाँ बंदगी करूंगा, मेरा बच्चा ये नौकरी करेगा, बाप का कर्जा उतारने के आराम से। अरे भाई सही है, बस भाई इतना ही है सब कुछ यार। चलो मजा मौज मस्ती अपनी जगह। कैसी है गाड़ी यार, कैसी लगी भाई? ओवरऑल मैंने देखा गाड़ी बहुत अच्छी है। एक बार अभी मैंने खान साहब का बोल के हटो, मेरे को एक ड्राइव करवाए। बहुत अच्छी गाड़ी है, फीचर्स बहुत क्लास है, अच्छा धमाल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी और भी गाड़ियां दी हैं, MG हेक्टर टाइप गाड़ी दी थी, जरा नवाजी बेस चलो नहीं लेते, काट देना भाई लोग। हो गया, सही है गाड़ी, आपको सही लगी? ओवरऑल बहुत अच्छी है भाई, आपको कैसी लगी? सेकंड रो में काफी कंफर्टेबल है, और ये वाली वाइड स्क्रीन दे रखी है, मतलब पूरा पूरा देख सकते हो। ये तो है, कंफर्टेबल भी सही है ना भाई? कंफर्टेबल करना भाई, गाड़ी पास है अपनी तरफ से? पास है भाई, पास है ना जी। चलो यार गाड़ी पास होनी चाहिए। बाकी भाई थैंक यू सो मच। एक बार व्यूअर्स को गाना सुनाना था, गुणगावा जीप तेरे मायने दी में, गुणगावा 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 जीप तेरे मायने में गुणगावा। खान साहब जीप के बहुत ही धुरंधर है, करम जी है बहुत ही धुरंधर कैंडिडेट है उनके, तो ये तो जीप की बहुत अच्छे से प्रेज करेंगे। तो हमको पैसा मिला है, हमको तो 1000 रुपया मिला है ना, दिया भाई, सीधी सी बात है, बेवकूफ करने के लिए। चलो ओके, बाय बाय बाय। ओके भाई ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करो, फॉलो करो और शेयर करो, और उसको क्या बोलते हैं यार, मैं नवा हूँ यूट्यूब पे, वो मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे को सब्सक्राइब करो, बेल का घंटी तोड़ दो तोड़ दो फोड़ दो। हाँ।